सो यहाँ पे शाओमी ने Redmi Note 11 टी 5G एंड Poco M4 Pro 5G ग्लोबल वेरिएंट में HyperOS का अपडेट रिलीज़ कर दिया है। ग्लोबल में Redmi Note 11 टी 5G अवेलेबल नहीं है, ग्लोबल में केवल Poco M4 Pro 5G ही अवेलेबल है। इंडिया में दोनों डिवाइस अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएंट के लिए HyperOS का स्टेबल अपडेट 1.0.1.0 TGV MIXM के बिल्ड में बेटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट हो चुका है, और इससे पहले Xiaomi ने तैवान स्टेबल अपडेट 1.0.1.0 TGV TWXM के बिल्ड में रोल आउट कर दिया था, जो फरवरी के सिक्योरिटी पैच के साथ हमें देखने के लिए मिल चुका था। सो अब तैवान के बाद यहाँ पे Xiaomi ने ग्लोबल के लिए बेटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट कर दिया है। सो यहाँ पे अपडेट का साइज़ क्या है, अपडेट को हम कैसे फ्लैश कर सकते हैं, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। सो अपडेट का साइज़ आपको 1.3 GB का यहाँ पर मिल जाता है MIUI 14 के लेटेस्ट बिल्ड से, और इसी के साथ इस अपडेट में भी आपको फरवरी का सिक्योरिटी पैच ही देखने के लिए मिलता है और कुछ ब्रांड न्यू फीचर्स। लेकिन इस अपडेट की रोम अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। सो अगर आप इस अपडेट को फ्लैश करना चाहते हैं सो आप इसको फ्लैश नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे तैवान स्टेबल का HyperOS फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि उस वाली अपडेट की मैं डाउनलोड लिंक्स ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं TGV TWXM Poco M4 Pro 5G पब्लिक रोल आउट। लेकिन आप इस वाले अपडेट को Redmi Note 11 T5G में फ्लैश मत करना, क्योंकि यहाँ पे तैवान रीजन में भी हमें Redmi Note 11 T देखने के लिए नहीं मिलता, वहाँ पे भी हमें केवल M4 Pro 5G ही देखने के लिए मिलता है। सो अगर आप M4 Pro 5G के यूज़र हैं सो आप इस वाली रोम को इजीली फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप Redmi Note 11 T के यूज़र हैं सो आपको इंडिया HyperOS का ही वेट करना होगा, जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पे रोल आउट किया जाने वाला है, आपको अप्रैल के मंथ में देखने के लिए मिल जाएगा। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दी Xiaomi HyperOS फॉर Redmi Note 11 T 5G एंड Poco M4 Pro 5G? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ।